नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कस अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, मैटर का स्टेट में चेंज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को, ठीक है, तीनों में चेंज होता है आपस में। यहाँ एक एक्टिविटी आपका बताया, देखिए कि टेक सम वाटर इन ए आइस ट्रे एंड कीप इट इन फ्रीजर। फ्रीजर में रखते हैं फॉर सम टाइम्स। यू आर ऑब्जर्विंग आफ्टर 4-5 आवर द वाटर बिकम आइस। पानी वो देखते हैं जम जाता है, ठीक है, फ्रीज कर जाता है। यू विल नोट दैट वैन वाटर वॉज कैप्ट इन फ्रीजर समटाइम्स, तो आपको जम गया तो जमता है। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज होने के कारण चेंज होता है एक, और एक होता है हम लोग उसको प्रेशर। ठीक है, प्रेशर राइज करने से, प्रेशर अप्लाई करने से भी चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे चेंज होता है, क्या होता है आपको हम लोग यहाँ वर्ड हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए हीट करते हैं आइस को, ये लिक्विड में चेंज होता है। फर्दियर हीट करते हैं तो ये किस में, वेपर में चेंज होता है। ठीक है, ये अभी आपका सॉलिड है। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड, और ये क्या है आपका, गैस फॉर्म में है। ठीक है, गैसियस स्टेट हो गया ये। तो देखिए व्हेन हीटिंग इट क्या हो गया, लिक्विड। ठीक है, आइस को हीट करते हैं तो लिक्विड, लिक्विड को फर्दियर हीट करते हैं तो गैस होता है। तो देखिए इसमें जब मेल्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द चेंज ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है, तो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और फिर गैस में हीट करने से। तो यहाँ जब सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो लिक्विड हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। फर्दियर हीट कर रहे हैं तो गैस में चेंज होता है, तो चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, देखिए आप ये हीट करते हैं कि सॉलिड जो होता है डायरेक्टली आपका गैस में चेंज हो जाता है हीट करने पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ सब्सटेंस होता है जो सीधे डायरेक्टली क्या होता है, हीट करते हैं ये सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल यू सी द नेफ्थलीन बॉल। घर में आप नेफ्थलीन बॉल देखते हैं जो हम लोग क्लोथ्स में रखते हैं, उलन क्लोथ्स में देखें तो वो सब्लाइम होता है। और यू आर सी द कैम्फर, जो हम लोग पूजा में कैम्फर कपूर यूज करते हैं, तो दे आर टू एग्जाम्पल ऑफ सबलाइम सब्सटेंस विच यू आर सीन। ये दोनों एग्जाम्पल दिए जो आपने देखते हो डायरेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, ये दो प्रोसेस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग कि ठंडा करने से, वो तो हीट करने से हो गया, अब क्या है। जैसे ये देख रहे हैं आप बॉइलिंग वाटर है। ठीक है, इसको क्या किए, ये गैसियस स्टेट में हो गया। ठीक है, गैस है ये, वाटर आपका लिक्विड है। ठीक है, और फिर क्या है आपका, ये कूलिंग किए तो आइस बन गया जो कि आपका क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो देखिए इसमें कूलिंग कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो कूल करते हैं तो ये देखिए वेपर जो होता है लिक्विड में आ जाता है। ठीक है, फिर ये फर्दियर इसको हीट करते हैं तो आइस में आ जाता है। तो देखिए इसमें जो आता है गैस से लिक्विड में चेंज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस इन विच ए गैस चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। और क्या है, व्हेन लिक्विड फर्दियर कूलिंग इज बिकम आइस, आइस बनता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर चेंज इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग दैट इज आइस इज नोन एज फ्रीजिंग, तो उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है, आस्क सम वाटर इन कंटेनर फॉर सम टाइम व्हेन द वाटर इज स्टार्ट चेंज इनटू वाटर वेपर। ठीक है, कूल द स्टील प्लेट, उसके ऊपर जैसे आप वाटर बॉयल करते हैं, स्टील प्लेट यहाँ रखेंगे हम लोग। ठीक है, यू सी योर मदर्स व्हेन कुक एंड पुट एनी स्टील प्लेट इन द वेपर्स, यू आर सी इट इज चेंज इनटू लिक्विड, वो लिक्विड में चेंज होता है। जैसे खाना पकाती है तो मम्मी देखते हैं उसमें एक प्लेट वगैरह ढक देती है, उसमें क्या होता है, देखते वाटर वेपर जो होता है कंडेंस हो के आपका वाटर में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। इट इज़ क्लियर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट
और इफ यू नॉट गेट द वीडियोज, ठीक है, यू फाउंड दिस ऑल वीडियोज, ठीक है, इन यूट्यूब एंड यू सर्च इज एज ए महाथा क्लासेस. तो चिल्ड्रंस आफ्टर दैट देयर आर सम क्वेश्चंस, यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, आप ये क्वेश्चंस मस्ट बी राइट, ट्राई टू आंसर. नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल द आंसर, इसको क्वेश्चंस को आपको बनाना है, अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बताएंगे.